रुबीना दिलायक को मिला जनता का सपोर्ट। जी हाँ, क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 14 के घर में है सैवेज क्वीन रुबीना दिलायक। उनकी अगर मैं बात करूँ, जिस डिग्निफाइड तरीके से वो घर में खेल रही है, उनकी जो शब्दों की मर्यादा है वो काबिले तारीफ है। उनको पता है कि कितनी भी वो गुस्से में हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें गलत चीज नहीं बोलनी है, चाहे गाली हो चाहे कुछ भी हो, वो अपशब्द यूज करती ही नहीं है। उनके जो पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, उनका जो स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर होता है, उनकी जो सोच है वो भी क्लियर है। उससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी क्लियर माइंडेड है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रोमो में जैसे हमने देखा और इनफैक्ट आज के एपिसोड में भी देखा, कितनी बार रुबीना ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से रखा, चाहे सीनियर्स हो चाहे घर के कंटेस्टेंट्स हो, गलत है तो गलत है, ऐसा है उनका हिसाब। अब प्रोमो में दिखाया गया है कि बिग बॉस कहते हैं कि निक्की और रुबीना के दोनों के बीच में, मतलब देखा जाए तो जिसके दिमाग में सबसे ज्यादा कचरा है, घर वाले मिलके डिसाइड करेंगे कि किसके दिमाग में ज्यादा कचरा है। तो ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। वो तुरंत अपना स्टैंड लेती, बोलती मैं ये टास्क नहीं करूंगी। तो इस पे प्रोमो में बहुत सारी बातें दिखाई गई हैं। तो इस बात को लेकर जनता उनके सपोर्ट में आई है। जी हाँ, ट्विटर पर एक ट्रेंड चालू कर दिया है रुबीना के सपोर्ट में उनके फैंस ने, वी स्टैंड विद रुबीना दिलैक। ये जो ट्रेंड है 7th नंबर पर ट्रेंड हो रहा है और शायद अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये ट्रेंड और आगे बढ़ चुका होगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को रुबीना दिलायक का अंदाज कैसे लगता है। ये जो फियरलेस अंदाज है उनका, किसी से ना डरना, चाहे सीनियर्स हो, चाहे कंटेस्टेंट्स हो, या फिर चाहे खुद बिग बॉस हो या फिर सलमान खान हो, जो गलत है तो गलत है उनके लिए। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप रुबीना दिलायक के सपोर्ट में हैं, उनके साथ हैं, तो जाइए ट्विटर पर अपना साथ दिखाइए और इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाइए। और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।